वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने लिया थर्मल फिजिक्स से। थर्मल फिजिक्स में कई टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हीट मास ट्रांसफर पढ़ेंगे यानी HMT पढ़ेंगे, और KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस पढ़ेंगे, और आइडियल गैस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उसमें से कुछ टॉपिक्स मैंने आज लिया है, जैसे कि हमारे पास आइडियल गैस कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद है हमारे पास ये गैस लॉ हो गए, इक्वेशन हो जाएंगी, KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस हो जाएंगे, और मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, और जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो हम बताते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ये देखते हैं जो हमारे पास आइडियल गैस कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात चीज़ आती है, ये आइडियल गैस और रियल गैस में दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं आइडियल गैस। अगर आप आइडियल गैस को समझ जाते हो तो आप रियल गैस को समझ ही जाओगे, यानी रियल गैस जो एग्जिस्ट करती है और उससे कैसे डिफरेंट है आइडियल गैस, किस चीज़ को हम आइडियल गैस मान लेते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे किए जाएंगे। और एजप्शन यानी जो उनमें लिया जाएगा और जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट जो भी किए जाते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, जानने के लिए, वहाँ पे हमारा जो यूज होता है वो आइडियल गैस कॉन्सेप्ट पे सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं। तो वहीं से आकर के देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, हेडिंग हमारे पास पड़ा है आइडियल गैस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे आइडियल गैस कॉन्सेप्ट में कुछ उसके एजम्पशन है जो लिए गए हैं। इसमें सबसे पहले बोला यह गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी ठीक है, अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, सपोज़ एक कोई कंटेनर है उसमें हमने गैस ले लिया है, ठीक है, और आइडियल गैस गैस लिया है हम उसको मानते हैं, तो उसमें ये खास बात ये होगी, जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी यानी ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, उनके जो वॉल्यूम होंगे नेगलिजिबल होंगे, यानी टेंडिंग टू जीरो मैंने बोल दिया, यानी नेगलेक्ट कर सकते हैं या नेगलेक्ट होता ही है, ऐसा आइडियल गैस कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है 10^7 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस का मतलब ये हो गया, ये दो मॉलिक्यूल्स यानी इनके बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस है, अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है, वो टेंडिंग टू जीरो है, यानी उसमें कोई भी इंटर मॉलिकुलर फोर्स नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी समझते हो, पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है जैसे कि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है, एक दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, ये अगर मान लो हाई पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों के मूवमेंट में डिफरेंस हो जाएंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, नहीं होगा, यानी टेंडिंग टू अगर जीरो होता है तो आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, इंटरनल एनर्जी, यही बात हम यहाँ पे करते हैं। देखो, अगर आइडियल गैस की टोटल एनर्जी की हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर बनती है, और हमने बताया जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो हमने बोल दिया जीरो है, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी जो हमारा हो गया इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। और यहाँ से हम ये हो सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी आप इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस हैं, अगर उनका टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी यानी उनका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो गैस है फॉलो गैस लॉ एंड इक्वेशन, यानी जो अगर कोई भी गैस आइडियल गैस में तब आएगी जब वो गैस लॉ और इक्वेशन को फॉलो करते हैं। और गैस लॉ और इक्वेशन क्या है, देखो गैस इक्वेशन ये है, यानी आइडियल गैस कॉन्सेप्ट के जो इक्वेशन है PV = NRT, यानी हम इसको लिख सकते हैं PV = m/M, यानी ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट, ये हो जाएगा मास, ठीक है, R × mT, और यहाँ से m को लिख सकते हैं m × N, यहाँ पर जो कैपिटल N होगा वो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और वैसे ही m × N0 से लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे N0 हो जाएगा अवोगाद्रोस नंबर, और R और T NKT हो जाएगा यहाँ से, यानी PV = NKT, और PV/ ये डेंसिटी हो जाएगा RT / मॉलिक्यूलर वेट KT/m। हमने यहाँ पे फार्मूला वाइज लिख दिया है, ठीक है, और कोशिश किया है थोड़ा सा बताने की, और ये आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आती है, ठीक है। और आइडियल गैस का मेन जो है ये है, हमने इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया सेकेंड, यानी थर्ड हो गया, और गैस लॉ, यहाँ पर टोटल 5 गैस लॉ है, जैसे कि हो गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और गेल-स्टोक लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स पार्शियल
प्रेशर लॉ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बॉयल्स लॉ देख ले, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, यहाँ पे देखो पी वी इज इक्वल टू में एन आर टी, यानी टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट करेंगे यानी ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पी वी इज इक्वल टू में कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी दोनों, ठीक है, ये समझ आ गया। सेकंड की बात कर लेते हैं, चार्ल्स लॉ में यहाँ पे बोला गया प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया यानी और एन और आर जो है ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब हो जाएगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट गेलसॉक लॉ, इन्होंने बताया था कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ से देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, बी और आर टी ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी पी और टी बचेंगे, यानी प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, टेम्परेचर के, ठीक है। और इसको बाद अवोगाड्रोस लॉ, इन्होंने बताया था कि अगर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम और इन तीनों को कांस्टेंट कर दिया, यानी देखो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन तीनों को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो एन आर यहाँ से देख सकते हैं हमने निकाला था कैपिटल एन, या ये देख सकते हो कैपिटल एन, ठीक है, यानी एन वन इज इक्वल टू में एन टू, अगर दो स्टेट हैं तो यहाँ से एन वन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन कंटेनर, और सेकंड कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेकंड कंटेनर, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर दोनों कंटेनर्स का सेम हो जाता है तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट में और सेकंड में जितने होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं डॉल्टन्स पार्शियल लॉ, इन्होंने बताया था जो टोटल प्रेशर होता है कंटेनर का वो पार्शियल प्रेशर पी वन पी टू पी थ्री जितने भी पार्शियल प्रेशर होंगे उनके समेशन के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे एक बात ये देख ले, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, यानी इसमें बोला गया आइडियल गैस वो होगी जो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करे, मूव करे, ट्रांसलेशनल मोशन, यानी वो रोटेशन का मोशन ना करे, ट्रांसलेशन, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने बता दिया इंटरनल एनर्जी इसके क्या करेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो हो जाता है, यानी यहाँ पे जो एनर्जी होगा, ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर की यूनिट होगी वो होगी क्या, केल्विन में, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट पर कॉन्स्टेंट, यानी हमने ये बोला है जो स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ये क्या होती है, कॉन्स्टेंट होगी, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रियल गैस होता है, रियल गैस, अगर रियल गैस है उसको हम आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई कर दो और प्रेशर और डेंसिटी लो कर दो तो वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा भी जाता है, ये पूछा जाएगा कि आइडियल गैस कॉन्सेप्ट को कौन फॉलो करता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर देगा, टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, फिर प्रेशर हाई या लो होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये लगेगा, यानी टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर और डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है ग्रेविटेशनल इफेक्ट, इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका कोई मास तो होता नहीं है, पॉइंट मास इनको बोला गया है, यानी इस पर कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। हो सकता है ये नीचे के जो हों वो ना दिख रहे होंगे वीडियो में, तो मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर दूंगा, आप लास्ट में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद हमने ये समझा दिया, इसके बाद हम बात कर लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें रेडॉल्फ और जेम्स क्लर्क ने, इन्होंने इसका मतलब इस पर डिस्कवर किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन गैस लॉ इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी जो मोशन था, यानी गैसियस लॉ था, यानी इस पर बेस्ड उन्होंने इस क्वेश्चन को, यानी इस थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। तो यहाँ पे इनके जो पोस्टुलेट थे, यानी इनकी कुछ आधारधारणाएँ उन्होंने लिया था, उन्होंने ये बोला था कि गैस स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जो गैस होंगे वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने होंगे, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होंगे, और उन्हीं पार्टिकल्स को हमने आगे चल के नाम जो दिया उन्होंने बोला कि मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी अगर कोई कंटेनर है उसमें गैस है, अगर वो आइडियल गैस है, यानी उसमें जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो हम क्या कह लेंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स की एक खास बात होगी, वो एक दूसरे से क्या होगा, सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अगर कोई और कंटेनर है, अगर वो और मॉलिक्यूल्स है, तो वो दोनों से हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन अगर एक ही कंटेनर में है वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ से लिखा है हमने गैसियस मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे, यानी सेम होंगे, स्फेरिकल स्फेयर शेप में होंगे, रिजिड यानी रिजिड होंगे, यानी इसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है, अगर रिजिड होंगे तो यानी परफेक्ट इलास्टिक होंगे, और पॉइंट मास, ये इनकी खास बातें हैं, ऑस्ट्रेलिया ने लिया था। और इसके बाद फिर होता है जो साइज़ होगी, इनकी जो साइज़ होगी मॉलिक्यूल्स के, वो टेंडिंग टू जीरो, यानी निगलिजिबल बोल सकते हो, ठीक है।
और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस यानी इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिकुलर जो डिस्टेंस हो गई वो लगभग होगी 10^-9 meters। इसके रिस्पेक्ट में बोला गया है कि उनका जो साइज होगा टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजप्शन में। ठीक है, एजप्शन में इन्होंने ये बोला था कि इनका जो मोशन होगा रैंडम होगा। ठीक है, इनका मोशन क्या होगा, रैंडम इन ऑल डायरेक्शन, और जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होगी, मैंने बनाने की कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा हाई होगी, जीरो से इनफाइनाइट यानी जीरो भी होगी, 1, 2, 3 यानी इनफाइनाइट, इन सब के बीच में हो सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स यानी जिसमें बोला गया है कि इसमें जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे सबसे ज़्यादा होंगे वो उनकी जो स्पीड होगी BMP होगी। BMP का मतलब होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, और इनके अगर हम रिगार्डिंग और इन्होंने एजम्पशन लिया जैसे कि कोलिजन के रिगार्डिंग। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तो वो होगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इसका मतलब होगा एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कोलिजन होने से पहले जितनी एनर्जी थी और कोलिजन होने के बाद जितनी एनर्जी होगी वो दोनों क्या होंगे, वेरी नहीं करेंगे यानी कांस्टेंट रहेंगे। और अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो उन्होंने बताया कि जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेशर। प्रेशर इन्होंने बोला था मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा। ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो केवल वाल्स पे, जितने भी वाल्स होंगे उन सब पे प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, और इक्वल प्रेशर लगाते हैं ऐसा। ठीक है, और ये डेंसिटी और इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके कहीं भी देखोगे इस पॉइंट पे कहीं पे भी उनकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बैरी नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे पूरे कंटेनर में वो सेम होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे बहुत तरीके से स्पीड आती है। ऑफ गैसेस में इसमें कई तरीके के स्पीड मिले थे जिसका हमने कई नाम लिया, जैसे कि पहला है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, मान लिया एन है, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स बोल दिया हमने कैपिटल एन है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी एन कैपिटल एन जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर हम कैपिटल एन से डिवाइड करें तो हो गया एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगा, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, यानी अगर हम एवरेज लेते हैं यानी टोटल का सम करते हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर हम BRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करते हैं तो इसका फार्मूला ज़्यादातर लगते हैं इसलिए मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं, एक बार देख लो। 3P डिवाइडेड बाई डेंसिटी, स्क्वायर रूट में 3RT डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट, स्क्वायर रूट में 3KT डिवाइड बाई m यानी मास, और स्क्वायर रूट 3 को जब बाहर निकालते हो तो इसकी वैल्यू होती है 1.73 स्क्वायर रूट KT डिवाइड बाई m। ये हमने डायरेक्ट फार्मूला रख दिया, आप लिख लो ना और याद कर लेना, ये डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने बात की है एवरेज स्पीड। यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी था, ये स्पीड था, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ पे जो एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, जो स्पीड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए हमने इसका जो स्पीड था यानी वेलोसिटी था हमने इसका मैग्नीट्यूड लेने की कोशिश की है, यानी लिया है। तो V1 V2 यानी जितने भी n मॉलिक्यूल्स थे यानी सबकी वेलोसिटी यानी स्पीड को जोड़ दिया है और कैपिटल एन से डिवाइड कर दिया है, इस तरीके से हमें एवरेज स्पीड मिल गई है। ठीक है, एवरेज स्पीड को VR या VM से डिनोट करते हैं, BM की वैल्यू इसके, और अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं PB इज इक्वल टू NRT से तो हमें ये मिलता है स्क्वायर रूट 8P डिवाइड बाई डेंसिटी, 8 स्क्वायर रूट 8 RT डिवाइड बाई पाई डेंसिटी, 8 KT डिवाइड बाई पाई m इज इक्वल टू, में देखो यहाँ से 8 और पाई को निकालते हैं बाहर तो हो जाएगा 1.59 स्क्वायर रूट KT डिवाइड बाई m, और यहाँ से ये BMP काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। BMP का मतलब हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट 2P डिवाइड बाई डेंसिटी, यहाँ पे देखो 8P था यहाँ पे 2P है। ठीक है, तो याद रखना 2RT डिवाइड बाई m, और ये जो आगे के हैं वो डेराइव्ड किए गए हैं, यानी जो मेन फार्मूला तुम्हारा एक ही होगा, एक ही फार्मूला याद करना, और उसके अलावा जो आप PB इक्वल टू NRT ये फार्मूला लगा करके आप इसमें रखोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगे आगे क्या होने वाला। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगर टेम्परेचर हमारा कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक तरीके से बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है मेंस लेवल या नीट लेवल पे कहीं भी, यानी टेम्परेचर अगर हमने बोला गया कि कोई भी कंटेनर यानी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाता है तो यहाँ से जो BRMS यानी किसी एक टेम्परेचर पर यानी BRMS, BM और BMP, B साउंड, ये सारे के सारे क्या होंगे,
इस ऑर्डर में होगा, यानी बी आर एम एस सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी एम, फिर बी एम पी, बी साउंड, ये पूछा जा सकता है ऑर्डर किसकी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बी साउंड की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से होता है स्क्वायर रूट गामा पी डिवाइड बाई डेंसिटी, यहाँ पे था 2p डिवाइड बाई डेंसिटी, यहाँ पे था 8p डिवाइड बाई डेंसिटी, यानी यहाँ पर हो गया गामा पी डिवाइड बाई डेंसिटी, ठीक है। और इसके बाद ये डिराइव्ड है, ठीक है, यानी गामा आर टी डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट, गामा के टी डिवाइड बाई एम, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आई होप, और ये मैंने सारे फार्मूले एक जगह पर रख दिया है, आप ये फार्मूले नोट कर लेना, इससे आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और मैंने जितने यहाँ पे एजम्पशन लिए हैं वो सारे सारे क्या होंगे, क्वेश्चन बेस पे, यानी जो मेंस पे कभी कभी आए होंगे, एडवांस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और बोर्ड में भी कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी देख लेना, ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो आज के वीडियो का, वो है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इन्होंने कुछ किया नहीं था इसमें, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सॉरी बहुत आराम से ये समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने ग्राफ खींचा है, एन, एन का मतलब कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में इन्होंने जो ग्राफ खींचा था अलग अलग टेम्परेचर पे, ये बोल दिया कोई और टेम्परेचर यानी टी1 बोल दिया, ये कोई और टेम्परेचर टी2, ये कोई और टेम्परेचर टी3 पे। यहाँ पे देखा था जो मैक्सिमम, यानी जो ग्राफ आता था, अगर इस ग्राफ की मैक्सिमम जो पीक पॉइंट होती थी उस पे जो स्पीड आती थी वो BMP होती थी, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती थी। और यहाँ पे क्या होता था, नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस में उनकी जो स्पीड होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, यानी स्क्वायर रूट 8p डिवाइड बाय डेंसिटी, इसके हिसाब से वो चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। और अगर हम इस T2 वाले टेम्परेचर पर देखते हैं तो ए भी क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, N2 मैक्सिमम, यानी जो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, अगर टेम्परेचर हटाते हैं तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल BMP में भी सेम कंडीशन वही, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स BMP, यानी हम बोल सकते हैं BMP यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चीज़ें क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉ, एक बार हम फिर से बता देते हैं, आइडियल गैस कॉन्सेप्ट और इक्वेशन, गैस लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसमें जो टाइप्स ऑफ स्पीड थी, और मैक्सिमम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, हमने ये सारी चीज़ें कवर की है, ठीक है। तो एक बार फटाफट एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या बताया, जो वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल्स का वो टेंडिंग टू जीरो यानी जीरो होगा, और वेलोसिटी इनकी 10^7 मीटर पर सेकंड के इस हिसाब से चीज़ें मूव करती हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होगा वो जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगेगा वो जीरो होगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो गैस लॉ या इक्वेशन, यानी गैस लॉ और इक्वेशन दोनों को किसी भी पॉइंट पे फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर ये फॉलो नहीं करते तो आइडियल गैस नहीं होगा, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, यानी ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन करेंगी। और यहाँ से मैंने बताया जो टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को समेशन के बराबर होता है, और हमने बताया पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इस चक्कर में काइनेटिक एनर्जी पे यानी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, यानी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। और हमने बताया स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि हम लिखते हैं क्यू इक्वल टू होता है MC ΔT, यानी ये होता है जो सी होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी गैस की वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। रियल गैस की बात करते हैं, अगर रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को हाई रखो और प्रेशर और डेंसिटी को लो कर दो, ठीक है। इसके बाद हमने बताया ग्रेविटेशनल इफेक्ट इन पर लगता नहीं क्योंकि हमने इसमें पॉइंट मास लिया है, ठीक है। इक्वेशन की बात करते हैं, PP = nRT, इसके बाद ये सारे डिराइव्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये आइडियल गैस कॉन्सेप्ट कई जगह लगते हैं, तो चलिए एक इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जब तक ये थर्मल चीज़ें चलेंगी, ठीक है। इसके बाद गैस लॉ हमने बताया था 1, 2, 3, 4, 5 है टोटल, बायोस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलस्ट्रैक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, यानी अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दो, प्रेशर को कॉन्स्टेंट इसमें चार्ल्स में, और यहाँ पर गैलस्ट्रैक में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, एवोगाड्रो में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तीनों कॉन्स्टेंट रहती हैं, और यहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम, टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पे देख लो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ये सारे काट दो, PV में रिलेशन ये हो गया, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो यानी B और T में रिलेशन, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम काट दो तो यहाँ पे N में रिलेशन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, चीज़ें आसान है। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी, यानी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था गैस लॉ इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है,
पॉस्टुलेट की बात कर लेते हैं, यानी कि अवधारणाएं जो थी, गैस जो था स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और ये सेम होते हैं और डिफरेंट होते हैं अदर गैसों से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं आइडेंटिकल होंगे, स्फेरिकल होंगे, रिजिड होंगे, यानी कि जो परफेक्ट इलास्टिक होंगे, ठीक है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद पॉइंट मास इनको बोला जाएगा, यानी पॉइंट मास होगा, इनकी कोई मास नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इनकी जो साइज होगी टेंडिंग टू जीरो, यानी जीरो होगा। और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 10^-9 मीटर होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजम्पशन। एजम्पशन पे यहाँ पे बोला गया मोशन क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। और स्पीड, ठीक है, इनकी जो स्पीड होगी जीरो से इनफाइनाइट, यानी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे BMP से, हमने बताया था ना मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या किस स्पीड से चलेंगे, BMP से, ये पूछा जा सकता है एक नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पे रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं कोलिजन के हिसाब से एजम्पशन जो लिए गए थे तो वो था अगर परफेक्ट इलास्टिक, यानी इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी। फोर्स के बाद में, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरनल या अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं लगने वाला है। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो ये एक दूसरे पे प्रेशर नहीं लगाएंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाएंगे वो वॉल्स पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी इनकी कॉन्स्टेंट रहेगी, कहीं भी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा या कम नहीं होंगे, इक्वल साइज में होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हर जगह पे, ठीक है। यानी डेंसिटी इनकी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। और इसके बाद हमने बताया था टाइप ऑफ स्पीड, यानी हम नेमिंग कर नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ये 5 ही है स्पीड ऑफ साउंड, ये तो जानते ही होंगे। तो टोटल 5 स्पीड यहाँ पे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, BRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और BMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे ये ऑर्डर होता है, यानी वॉल्यूम स्पीड ऑफ साउंड के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद हमने लास्ट बताया था मैक्सिमम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, इनके बीच में जो ग्राफ खींचा गया था ये था, ठीक है। यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हो जाएंगे BMP से मूव करेंगे, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जैसे कि हमारे पास होंगे टाइप ऑफ स्पीड, मैक्सिमम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, इसके बाद हमारे पास पड़ेंगे एक्सप्रेशन प्रेशर आप ये जो निकाले गए हैं उसका मैं थोड़ा सा बता दूंगा, निकलेगा कैसे उसका डेरिवेशन करवा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता देंगे, और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कितने तरीके की होती है वो सारी चीज़ बता दूंगा। तो इसके बाद जो ये चैप्टर हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो चैप्टर आने वाला होगा वो हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।